हेलो गाइस, तो कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? ये सॉल्व लाइक प्रो सीरीज है जिसमें आज हम फाइनली अरिहंत बुक का डिस्कशन करेंगे, जिसे आप लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया था कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में। सो मैं हूँ सुजय सक्सेना, IIT पटना से आपकी मैथ्स की मेंटर, एंड आज मेरे साथ हैं पलक ठक्कर जो कि IIT गुवाहाटी से हैं। हेलो एवरीवन, मैं पलक ठक्कर फ्रॉम IIT गुवाहाटी। मैं बीइंग IITian पर आपकी मेंटर हूँ। सो आज हम लिम्बस चैप्टर का ही डिस्कशन करेंगे जो कि हमने सीएनजीएस में भी उठाया था। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इससे पहले जब हमने सीएनजीएस बुक का डिस्कशन किया था तो वो काफ़ी डिटेल डिस्कशन था। उसमें आप चाहे किसी भी स्टेज पर हो, हमने उस स्टेज को एक नाम दिया था एक सेक्शन के तौर पे। तो हम चाहेंगे कि आप एक बार उस वीडियो को देख कर आ जाएँ, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, बट उसको एक बार देख कर आ जाएँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि हम जिन मेथड्स का नाम ले रहे हैं वो क्या है, क्योंकि वहाँ पर हम उसका डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर आपके समझने के लिए और हमारे समझाने के आसान की खातिर हम थोड़ा सा उसे ब्रीफ व्यू देंगे, ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आज हम डिस्कशन करते हैं, चलिए अरिहंत की बुक पर। सैम्पल चैप्टर हमने एलिमेंट्स उठाया है और एक बार आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि ये बुक कैसी है दिखने में, इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो पहले तो एक ब्रीफ कंपैरिजन, जैसे कि आपके सीएनजीएस में इलस्ट्रेशन हुआ करते थे और सेक्शंस हुआ करते थे, एक सेक्शन में इलस्ट्रेशन हुआ करता था एंड देन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड एक्सरसाइज हुआ करती थी। तो यहाँ पे आपका सेक्शन की जगह सेशन रहेगा और हर सेशन में पहले थोड़ी सी थ्योरी होगी, ब्रीफ थ्योरी होगी इसमें नोट्स टाइप से, एंड उसके बाद फिर आ जाएंगे आपके इलस्ट्रेशंस यानी कि यहाँ पे एग्जांपल्स, एंड एग्जांपल्स जैसे ही ख़त्म होंगे तो उसके बाद आ जाएगी आपकी सेशन वन की एक्सरसाइज। तो ऐसे ही कुल इनके पास 6 सेशंस रहेंगे। तो हम डायरेक्टली आखिरी सेशन पे चलते हैं। तो हमारा आखिरी सेशन इसके ऊपर है। एक बेसिक डिफरेंस ये रहेगा कि जैसे कि वहाँ सीएनजीएस में आपके सारे सेक्शन ख़त्म होने के बाद 15 सॉल्व एग्जांपल थे लिमिट्स चैप्टर में, तो यहाँ पर जैसे ही आपके सारे सेशन ख़त्म रहेंगे तो जेई टाइप से एक सॉल्व एक्सरसाइज रहेगी और इसमें पूरे 5 सेक्शन होंगे, यानी क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होगी। देख लीजिए, ये जेई टाइप के सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। सेशन ख़त्म हो जाने के बाद, 6 सेशन ख़त्म हो जाने के बाद ये आएगी। जैसे वहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स 15 क्वेश्चन थे, यहाँ पे पूरा जेई सॉल्व एग्जाम्पल्स टाइप से 5 सेक्शन रहेंगे। जैसे आपके एडवांस में आते हैं सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि आपके पास टोटल 6 सेशन थे। उसके बाद आया आपका ये जेई टाइप सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चंस, एंड इसमें रहेंगे आपके 5 सेक्शंस, सिंगल करेक्ट एंड देन आपका जाएगा मल्टी करेक्ट, एंड देन उसके बाद आएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन टाइप पैसेज बेस्ड, एंड देन उसके बाद आएगा मैट्रिक्स बेस्ड, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी मेंशन है, मैचिंग क्वेश्चंस भी मेंशन है, एंड में आ जाएगा न्यूमेरिक यानी कि सिंगल इंटीजर आंसर करेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो फिर उसके बाद आएगी आपकी फाइनली चैप्टर एंड एक्सरसाइज, जिसमें अगेन 5 सेक्शंस होंगे, सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, सिंगल करेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे मल्टी करेक्ट, मल्टी करेक्ट के बाद पैसेज बेस्ड, उसके बाद आपका मैट्रिक्स टाइप, एंड फाइनली आपका सिंगल इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये मतलब एक ओवरव्यू है कि हाँ कैसे कैसे पैटर्न है बुक का, ऑलमोस्ट सीएनजीएस जैसा ही है, बस डिफरेंस आएगा कि कहाँ पे आपका सॉल्व एग्जांपल जो एंड में आ जाते हैं जेई टाइप सॉल्व एग्जांपल, वहाँ पे सिर्फ 15 क्वेश्चन थे, यहाँ पे बकायदा पूरा उन्होंने कायदे से 5 सेक्शंस में डिवाइड किया जैसे कि आपके ट्रेडिशनल जेई एडवांस में आते हैं। सो चलिए अब डिटेल डिस्कशन करते हैं इस बुक पर, तो अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। ओके सो ये हमारे सामने अब स्लाइड मेंशन है, तो अब हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे सारी एक्सरसाइजेस का जो हमने अभी ओवरव्यू लिया है। तो अगेन एक छोटा सा रिमाइंडर है कि जिन्होंने भी पिछला वीडियो सीएनजीएस का नहीं देखा है वो देख लें, क्योंकि पैटर्न सेम है, एनालिसिस का भी पैटर्न इसलिए सेम रहेगा और बेटर आइडिया रहेगा जहाँ जहाँ हम मेथड्स को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अगर आप वो वीडियो देखकर आ चुके हैं तो वहाँ पे जहाँ जहाँ सेक्शन मौजूद थे वहाँ पे यहाँ पे सेशंस हैं, वहाँ पे सेक्शंस के अंदर आपके पास इलस्ट्रेशन होते थे एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन होते थे, यहाँ पे उसकी जगह सेशन एग्जांपल्स और सेशन एक्सरसाइज होंगी। वहाँ पर सॉल्व एग्जांपल्स में कुछ 15-20 के आसपास अराउंड क्वेश्चन होते थे, लिमिट्स में हमने 15 देखे थे, तो यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स में पूरे 5 सेक्शंस डिवाइडेड होंगे और एंड में चैप्टर एंड एक्सरसाइज वैसे ही रहेगी, 5 सेक्शन रहेंगे जैसे कि जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो अब आते हैं हमारी पहली कैटेगरी पर, वो होते हैं टाइप 1 स्टूडेंट्स। तो टाइप 1 स्टूडेंट्स हो गए वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, यानी कि या तो वो YT से पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग में बैकलॉग है इसलिए जो मैथ्स है वो तो कोई कोचिंग से स्पेसिफिकली नहीं हो पा रही है या फिर कोचिंग है ही नहीं। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास रहेंगे जो कोचिंग में लेक्चर अच्छे से लगाते हैं,
उन्होंने अच्छे से मॉड्यूल सॉल्व कर रखे हैं, स्टिल कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो वीक रह गया, जैसे कि मान लीजिए लिमिट्स में आपका एल ऑपरेटर कमजोर रह गया, या आपको 1 to the power infinity वाली इंडिटरमिनेंट फॉर्म सॉल्व नहीं हो पाती, या फिर आप वो बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर तो सॉल्व कर लिया, मॉड्यूल सॉल्व कर लिए, स्टिल लग रहा है कि नहीं चैप्टर पर वो फील नहीं आई है जो आनी चाहिए, तो फिर ये बुक आपके लिए रिकमेंडेड रहेगी। और कैसे सॉल्व करना है, किस सीक्वेंस के साथ सॉल्व करना होगा, चाहे आप सेल्फ स्टडी वाले हों, चाहे आप कोचिंग वाले बच्चे हों, वही हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे सॉल्व एग्जांपल्स के प्रोज एंड कॉन्स। जैसा कि हमने देखा था कि लेवल थोड़ा सा सीनियर से ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए इस पर डिस्कशन करना ज़रूरी रहेगा कि प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगे इसके। सो ओवरिंग टू यू पलक। हाँ, हम अभी प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे सॉल्व एग्जांपल्स के। इसमें प्रो के लिए टाइप वन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट है जो कोचिंग के साथ साथ बुक सॉल्विंग कर रहे हैं, तो आपको डिवीजन अच्छे से मिल जाएगा। एवरी सेशन के बाद कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी है सॉल्व करने के लिए। जो सॉल्व एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस हैं वो बहुत डिटेल्ड है, तो कोई बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं उनको भी अप्रोच समझ में आएगा कि कैसे अप्रोच करना है। और एंड में जो सॉल्व एग्जांपल्स है उसमें वैरायटी बहुत सारी है, मल्टी करेक्ट है, पैसेज है, मैट्रिक्स है, तो एडवांस लेवल तक भी अच्छा कवरेज हो सकता है। कॉन्स ये है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जो खुद से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये प्रो होगा, बट जो कोचिंग और यूट्यूब रिसोर्सेज ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और उनकी प्रेपरेशन डिसेंट लेवल की है तो उन्हें क्वेश्चन पिक करने में प्रॉब्लम होगा। तो वही हम आगे E1 E2 से डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पिक करना है। यस, एंड जो लोग पूरी तरह से कम्प्लीटली बुक डिपेंडेंट है उनको तो सिक्वेंशली पूरा सॉल्व करना है, इलस्ट्रेशंस मतलब सॉल्व एग्जांपल्स अच्छे से सॉल्व करने रहेंगे, एंड देन आपकी सेशन एक्सरसाइज, फाइनली सॉल्व जे टाइप एंड चैप्टर। तो जिन्होंने कुछ नहीं सॉल्व किया उनको तो इसे रिलीजियसली फॉलो करना ही है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने प्रोज एंड कॉन्स की बात करी अभी, अब देखते हैं कि इन सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करने का तरीका कैसे रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली अगेन कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो उस कॉन को भी तो प्रो में बदलना होगा ना। तो अब हम बात करते हैं अपने I1 एंड I2 मेथड की। तो I1 मेथड एंड I2 मेथड वही है जो हमने पहले डिस्कस किए थे कभी CNG में, तो अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। तो I1 एंड I2 यहाँ पे समराइज कर देते हैं जल्दी से। I1 मेथड ये है कि आप अच्छे से जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करें, सॉल्यूशन छुपा छुपा के सॉल्व करें, एंड अगर क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं आपको, अगर वो आपको एक कॉन के तौर पे दिखाई दे रहा है, तो आप उसके बाद जो सेशन एक्सरसाइज है उसको स्किप कर दीजिए, सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व करेंगे और एंड टू एंड करेंगे, जिससे कि सिली मिस्टेक्स अवॉइड हों जो कि एग्जाम में जनरली होती हैं अगर आप एंड तक सॉल्व नहीं करते सॉल्यूशंस को। और इसके बाद आता है आपका I2 मेथड, जहाँ पे कि हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप सॉल्यूशन नहीं रिजिस्ट कर पा रहे, सॉल्यूशंस को छुपाकर सॉल्व नहीं कर पा रहे, देन सॉल्व एग्जांपल्स को अल्टरनेटिवली सॉल्व कर लें, एंड अपने सेशन एक्सरसाइज को जो कि आपके एग्जांपल्स के बाद आती है उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करें एंड टू एंड। तो ये उन बच्चों के लिए मेथड बहुत अच्छा रहेगा जो कि सॉल्यूशन रिजिस्ट नहीं कर पाते या जिनको सॉल्यूशन छुपाने में दिक्कत हो रही है। अब सारे सॉल्व सेशंस के बाद एंड में आएगी आपके पास जेई टाइप सॉल्व एग्जांपल, जो कि हमने देखा था कि 5 सेक्शंस में डिवाइडेड थे, एंड यहीं पर डिफरेंस आता है सी इंग्लिश बुक के साथ, उन्होंने सिर्फ 15 क्वेश्चन दिए थे इन लिमिट्स, एंड यहाँ लिमिट्स चैप्टर में इन्होंने पूरे 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है जैसे कि जेई में होता है। अभी सॉल्व जेई टाइप क्वेश्चन हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इनका क्या यूजफुल रहेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमें मौजूद है, हमने ये सी इंग्लिश में नहीं देखी थी, तो इसका क्या फ़ायदा रहेगा इस बुक को सॉल्व करते टाइम, ये भी हम आगे मेंशन करेंगे। फिलहाल के लिए चैप्टर एंड एक्सरसाइज पर पढ़ते हैं, जहाँ पे कि हमारे पास सिंगल करेक्ट 40 है लिमिट्स चैप्टर के अंदर, मल्टीपल करेक्ट 15 है, कम्प्रीहेंशन 5 है, मैट्रिक्स 4 है, एंड न्यूमेरिकल स्लैश सब्जेक्टिव 26 है। तो अब आते हैं हमारे E1 एंड E2 मेथड पर, बिकॉज इतनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने के बाद तो वर्कलोड लगेगा ही लगेगा। तो अब बात करते हैं E1 एंड E2 मेथड की। ये भी हमारे वही मेथड्स हैं जो हमने CNGH में देखे थे, तो एक बार फिर से समराइज कर देते हैं इनको। E2 मेथड उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोचिंग के मॉड्यूल्स को सॉल्व किया है और एक डिसेंट लेवल मेंटेन किया है, जैसे कि हमने कॉन में डिस्कस किया था राइट, कि अगर टाइम कम है एंड आप डिसेंट लेवल पर हो तो अब वो सारे बच्चे ध्यान से सुन। तो E2 मेथड हमारा है उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छे से डिसेंट लेवल मेंटेन किया है। तो जैसे कि अगर आप वेदांतु में थे तो आपने तत्व सॉल्व कर रखी होगी एक्सरसाइज 1 and 2 फॉर एग्जांपल, सो आप फिर वहाँ पे अच्छे से मॉड्यूल सॉल्व करके अगर आपको लगे कि अभी भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो वीक रह गया है तो फिर जाइए एंड वहाँ से अपने सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करिए और I2 मेथड को फॉलो करिए। लेकिन
इवन मेथड क्या रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई कोचिंग मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर रखा है तो फिर आपको इस बुक को रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, सिक्वेंशियली सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपने ऑलरेडी कोई बुक सॉल्व कर रखी है, चाहे वो कोई भी कोचिंग मॉड्यूल हो या फिर आपने कहीं से ऑलरेडी एक बेसिक आइडिया ले रखा है चैप्टर का, तो फिर अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक वीक है स्पेसिफिकली तो सॉल्व सेशंस देख लीजिए। या फिर अगर लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक में कमी नहीं है, पूरे को पूरे चैप्टर में अभी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो फिर आप अच्छे से चैप्टर एंड एक्सरसाइज को प्रायोरिटी दीजिए। सो जैसे कि अब हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपको पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, एंड अगर आपको कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। टॉपिक अगर लगे कि कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है तो I1 एंड I2 मेथड में से आपको क्वेश्चन की छटनी करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन का वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, इसलिए सारे सेशन में डिवाइड किया गया। तो अब हम फिर से देखते हैं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे इस एक्सरसाइज की। जैसे हमने सॉल्ड एग्जांपल्स के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए थे, अब एक्सरसाइज के करेंगे। सो ओवरिंग टू यू अगेन पलक। ओके, तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। जो एक्सरसाइज का लेवल है वो बहुत अच्छा है। सेशंस में सॉल्व एग्जांपल्स या फिर सेशंस के एक्सरसाइज और एंड के सॉल्व एग्जांपल्स, ये सबसे एक्सरसाइज का लेवल कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। और आपने वो सब सॉल्व किया होगा तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज के स्टेप्स में यूज हो जाएंगे, तो वो वन काइंड ऑफ रिविजन होगा। ओके, कॉन्स डिस्कस करता है। कॉन्स में वापस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चंस है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप E1 या E2 दोनों में से एक भी फॉलो कर सकते हो। अगर टाइम कम है तो आप पहले वीक टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हो, उसमें आपको अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा क्वेश्चंस का। फिर उसे हम प्रायोरिटी पर रखें, फिर टाइम बचे तो हम बाकी सब भी कवर कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस रिपीटेटिव लग रहे हैं तो फिर सेलेक्टिवली करो। बिल्कुल, एंड इसके आगे अब होप क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर आपके पास टाइम कम है या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम है तो क्या प्रोसीजर रहेगा सॉल्व करने का। एंड प्रोज एंड कॉन्स हमने अपनी चैप्टर एंड एक्सरसाइज की भी डिस्कस कर ली है। अब फाइनली आते हैं इस बात पर कि अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं या ड्रॉपर हैं तो क्या करना होगा। तो ऐसा ही डिस्कशन हमने सीएनजीएच में भी किया था, यहाँ पर भी करना। तो अगर आप टाइप 2 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आपके पास जो कोचिंग मॉड्यूल्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आपने उनको अच्छे से सॉल्व किया है, यानी कि आपको बेसिक आइडिया है चैप्टर का। तो अगर आपके पास बेसिक आइडिया है तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं और कैसे करने हैं, वो हमने E1 E2 तरीके में बताए हैं। तो फ़र्क नहीं पड़ता आप चाहे 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर में हो, अपनी करेंट कंडीशन को आइडेंटिफाई करके E1 या E2 में से पिक करिए, अगर आपने ऑलरेडी एक बेसिक और डिसेंट लेवल बना रखा है। लेकिन अगर आप टाइप 1 के स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने कोई और बुक कभी सॉल्व नहीं करी है, तो फिर आपके लिए डिफरेंस होगा थोड़ा सा उन बच्चों में जो 11th में है जिनके पास अभी काफ़ी टाइम है, और उन बच्चों में जो कि 12th में है ड्रॉप ईयर में है। तो अगर आप 11th वाले हैं तो आपके पास अच्छा खासा समय होगा, तो इसलिए आप I1 प्लस E1 मेथड को फॉलो करेंगे या फिर I2 प्लस E2 मेथड को सॉल्व करेंगे। दोनों सिक्वेंशियल मेथड्स हैं जिससे कि आपकी पूरी बुक कवर हो और अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। लेकिन अगर आप 12th एंड ड्रॉप ईयर्स में हैं, देन फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। अगर आपने 11th पूरी जीरो छोड़ रखी है, पूरी गोल है 11th, देन फिर तो पहले आपको बेसिक लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, बेसिक आइडिया बनाना होगा वीडियो लेक्चर्स अटेंड करके, एंड देन उसके बाद आपको I1 और I2 में से कोई एक मेथड चूज करके फिर चैप्टर एंड की तरफ पढ़ना होगा। ये हमारा M1 मेथड था। M2 मेथड उन बच्चों के लिए जिनके पास चैप्टर पे एक ऑलरेडी अच्छा कमांड है या फिर टाइम बहुत ही ज़्यादा कम रह गया है, तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली चैप्टर एंड एक्सरसाइज पर आएंगे। चैप्टर एंड एक्सरसाइज में अगर देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे एक डिसेंट अमाउंट में, 50% to 60% क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं मुझसे बिना सॉल्यूशन देखे, देन उस केस में आप वापस से बेसिक्स में जाएंगे। चैप्टर में देखेंगे कि अगर कोई टॉपिक वीक है, स्पेसिफिक टॉपिक में अगर कोई लूप होल रह गया है, तो आप I1 या I2 मेथड में से किसी एक को सिलेक्ट करके उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी पूरे चैप्टर में ऐसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है पूरे के पूरे चैप्टर से रिलेटेड कॉन्फिडेंस में, तब आप वो JEE टाइप सॉल्व क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो कि CNGH में नहीं था। पूरे 5 सेक्शन अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किए सॉल्यूशन के साथ और बहुत ही अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। तो अगर आपको लग रहा है पूरे चैप्टर पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, देन उन JEE टाइप सॉल्व क्वेश्चन को देखेंगे, एंड टॉपिक पे करना है देन I1 या I2 में से किसी एक मेथड की तरफ जाएंगे। तो ये तरीका था आपके 12th एंड ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब हम आ गए हमारे फ्लो चार्ट पे, और इसका फ्लो चार्ट वैसा ही रहेगा जैसे कि हमने पहले कभी CNGH में डिस्कस किया था, कि उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली पूरा वीडियो नहीं देखा है या जो अभी भी कंफ्यूज हैं थोड़ा बहुत। तो फिर से एक बार समराइज कर देते हैं सारे बच्चों के लिए कि अगर आप 11th में हो
एंड आपने ऑलरेडी कोई मटेरियल सॉल्व कर रखा है, तो क्वेश्चंस की छटनी करनी होगी आपको, और वो कैसे करेंगे, E1 एंड E2 मेथड से करेंगे। अगर आप उन बच्चों में से हो जिन्होंने कोई भी बुक सॉल्व नहीं करी है एंड आप 11th में हो, टाइम है एडुकेट अमाउंट का, तो फिर आप I1 प्लस E1 या फिर I2 प्लस E2 सॉल्व करेंगे। 12th एंड ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए दो सेक्शन रहेंगे, जैसे कि 11th में था ऑलरेडी सॉल्विंग अ बुक एंड नॉट सॉल्विंग अ बुक। अगर आप ऑलरेडी सॉल्विंग अ बुक है, देन अगेन E1 और E2 में से कोई भी एक मेथड आपको चूज करना होगा अपनी सिचुएशन आइडेंटिफाई करके। लेकिन अगर आपने कोई बुक सॉल्व नहीं कर रखी है एंड क्योंकि टाइम कम है, तो अब आपको ये खुद डिसाइड करना होगा कि आपके बेसिक्स का क्या हाल है, जीरो पर है या ऑलरेडी एक डिसेंट लेवल बना हुआ है। जीरो पर है तो M1 से जाएंगी, एंड अगर बेसिक लेवल है देन M2 से जाएंगी। तो ये पूरी डिस्कशन हाईली रिसर्च थी, हमने अच्छे से ध्यान रखा है कि सारे कैटेगरी के बच्चे कवर हो जाएं, कोई भी तरह का बच्चा छूटे ना। अगर आपको लग रहा है कि आपका केस यहाँ पे कंसीडर नहीं हुआ है, तो वो हुआ होगा, यहीं में से कोई एक लेवल होगा जिस पर आप भी होंगे, तो ये अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा आप कहाँ आ रहे हो। तो ये रहा हमारा डिटेल डिस्कशन इस पूरे बुक के ऊपर, हमने सैम्पल चैप्टर उठाया था लिमिट्स, तो देखते हैं अगर पलक कुछ और ऐड करना है इसमें। नहीं, इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई है, आप एनालाइज कर लो कि आप कौन से टाइप में हो और फिर उसे एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना एंड तक, और कॉन्फिडेंटली करो तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, एंड फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए एंड पढ़ाई में लगे रहिए।